सीने पे गोली खाकर हमारी सेना हमें सुरक्षित रखती है, दूसरी तरफ नेताओं की बकवास जारी रहती है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आर्मी चीफ बिपिन रावत के खिलाफ शर्मनाक बयान दिया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि आर्मी चीफ सड़क के गुंडे की तरह बयान देते हैं। संदीप दीक्षित के इस बयान के बाद कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी की मांग है कि कांग्रेस और सोनिया गांधी संदीप दीक्षित के बयान के बाद माफी मांगे, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए। सेना सशक्त है और हमेशा सीमाओं पे हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान एक ही चीज कर सकता है कि जाके इस तरीके की उलझुल की हरकतें करे और अपने बयानबाजी दे। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। पाकिस्तान का दे तो दे, वो तो है ही, उनकी तो फौज में क्या रखा है सब, वो तो एक माफिया टाइप के लोग हैं। लेकिन हमारे सेना अध्यक्ष भी इस तरह के बयान क्यों देते हैं, वो मुझे लगता है। अब संदीप दीक्षित जिस तरह के बयान क्यों देते हैं ये उनसे कौन पूछेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू संदीप दीक्षित के बयान को शर्मनाक बता रहे हैं। रिजिजू ने ट्वीट कर लिखा है कि आखिर कांग्रेस के साथ क्या समस्या है, कांग्रेस ने सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहने की हिम्मत कैसे की। यह सरासर गलत है और इतने नीचे स्तर की बात करना इनको शोभा देता नहीं है। हमारे जो देश में सो कॉल बुद्धिजीवी हैं, ये पता नहीं किस लेवल पे आ गए हैं और हमेशा आर्मी के विरुद्ध बात करते रहते हैं, ये उनको शोभा देता नहीं है। ये आर्मी बैशिंग स्टॉप करनी चाहिए। आप अपने ही देश के आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह रहे हो, ये मानसिक दिवालियापन नहीं है तो और क्या है। ये हमारे देश के नेताओं को क्या हो गया है आजकल, आजकल जो देखो वो उठकर आर्मी के खिलाफ कुछ सेंटेंसेस बोलता है, कुछ आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ बोलता है, ये क्या हो गया है। ये सारी चीजें बोलने के लिए आपके आकाए कौन है, क्या ये आपको आपको आपके नेता बोलते हैं कि ये बताइए आप ये बोलिए। अगर आप ही नहीं, अपनी भारतीय सेना को अगर आप गुंडा कहते हैं, अगर आप इतने सारे नाम रखते हैं अपनी भारतीय सेना को, तो आप उनको क्या कहेंगे जो पत्थर फेंकते हैं, क्या आप उन्हें देशभक्त कहेंगे। ये क्या हो गया है हमारे देश को। बहुत धक्का पहुंचा है दिल को और बहुत तकलीफ होती है जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सम्मानित आर्मी चीफ के लिए किया जाता है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से संदीप दीक्षित जी के माध्यम से आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहने की हिमाकत की है, गलती की है, ये अपने आप में अक्षम्य है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। हिंदुस्तान की जनता कभी भी कांग्रेस को क्षमा नहीं करेगी। आर्मी है तो हम हैं। ये अफसोसनाक है। कांग्रेस पार्टी में बाकायदा तमाम लोगों को हिदायत है कि जो भी अहम ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं या बड़े लीडर्स हैं या जो भी हैं, उन सबके लिए, बल्कि आम भाषा के अंदर भी इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। संदीप जी ने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं मालूम, हम जरूर उनसे बात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि पार्टी इससे बिल्कुल सहमत नहीं है और ना ही इस तरह की चीजों को कभी पार्टी सपोर्ट करती है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद संदीप दीक्षित ने अपने बयान को लेकर माफी भी मांग ली। मुझे लगता है कि जो हमारा सेना के अध्यक्ष हैं, वो जिस तरीके की इस सेना अध्यक्ष ने पिछले कुछ समय में भाषा इस्तेमाल की है, मुझे एक व्यक्ति के रूप में लगता था कि ये उचित भाषा नहीं होती। हम अपने फौज से एक अलग तरीके का व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन मैं इस बात को अब ज्यादा नहीं खींचना सकता। मुझे लगता है कि जो मैंने जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए हैं वो शायद गलत हैं और इसलिए मैं माफी भी चाहूंगा, उसको वापस भी लूंगा।